दोस्तों, आज हम आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर सॉल्व करना सिखाएंगे कि किस प्रकार ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व किया जाता है। तो आज देखिए, हम सब साथ सीखेंगे। पहले मैं छोटा कर लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग सोल्व करें कैसे सूत्र बनता है। इसको सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये फॉर्मूला है इसका। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि इसको सोल्व करना है, सोल्व कैसे करेंगे इसको। सोल्व करने के लिए हम लोग इसको हम लोग सोल्व करके लाएंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से। इसको हम दो भागों में बांटेंगे, या स्क्वायर, इसलिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको इस प्रकार हम लोग बांटेंगे। देखते हैं आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो उस पर कलर चेंज कर लेता हूँ रेड। पहले हम लोग करते हैं ए से ए में करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए से बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब बी से करेंगे, बी से करेंगे ए में, क्या हो गया प्लस ए बी हो जाएगा। ए भी हो जाएगा, सॉरी, हाँ ए भी हो जाएगा प्लस बी से करेंगे बी में तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब नेक्स्ट देखिएगा आगे। अब इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या कि ए स्क्वायर प्लस दुगो है तो इसको हम 2AB लिख सकते हैं, क्या 2AB लिख सकते हैं, और इधर बी स्क्वायर हो गया। ध्यान देखिएगा, हम कुछ इस प्रकार से लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB लिखे हैं। तो इसको आप इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है आपको। अगर नहीं है तो इसको इकट्ठियाँ कर देते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है आपको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आई होप, और अगर मुझसे कोई अगर गलती हो जाए तो आप क्षमा कीजिएगा, इससे तो मैं जितना प्रयास करूँगा गलती नहीं होने के लिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।